प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एपिसोड की शुरुआत में लोगों का धन्यवाद कहकर की। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा उस दौरान देश के नागरिकों से सारे हक छीन लिए गए थे, उसमें जीने का अधिकार भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आपसे आज देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन उससे पहले मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से, 24 से 25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर आप जरूर सोचिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। यह बात 1975 की है, जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू कर दिया गया था। उस दौरान देश के नागरिकों से सारे अधिकार भी छीन लिए गए थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास भी किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण कर दिया गया था। सेंसरशिप की यह हालत थी कि बिना स्वीकृति के कुछ भी नहीं छापा जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर भी बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर भी नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक की भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। हमें आपातकाल का वो भयावह दौर कभी नहीं भूलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।